Hello, my dear students, how are you all? I hope you all are doing good. So, my dear student, today I'm going to start your new chapter, chapter number 5th. Okay, and the name of this chapter is Parts of a Computer. Okay, the name of this chapter is Parts of the Computer. Computer ke parts ke bare mein hum aur details mein padhenge. Humne bahut kuch padha hai, but in this chapter we will discuss about मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर. ओके, इसमें हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक एंड आई एम गोइंग टू रीड. लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग एंड आफ्टर दैट रीड दिस चैप्टर. ओके, फर्स्ट वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली, देन रीड दिस चैप्टर एंड देन टेल मी वेयर इज़ योर प्रॉब्लम. ठीक है, आपका प्रॉब्लम किधर है, कौन से टॉपिक में है, कहाँ नहीं समझ में आया, एंड अगर समझ में आ गया इट्स वेरी गुड. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5. यू नो वॉट माई पार्ट्स आर, डोंट यू? एक कंप्यूटर है और एक बच्चा है, वो दोनों आपस में इस छोटा सा कन्वर्सेशन कर रहे हैं. बोल रहे हैं कि क्या तुमको पता है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मेरे? तो जो लड़का है वो बोल रहा है, यस आई नो, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू आर द आर योर पार्ट्स. कह रहा है कि हाँ, मुझे पता है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू, ये सब जो है ये तुम्हारे पार्ट्स हैं. ओके, यहाँ पे इमेज भी दिया हुआ है. ओके, गुड, आई शैल टेल यू अबाउट मोर पार्ट्स ऑफ माइन. तो कंप्यूटर क्या कह रहा है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब चलो मैं तुम्हें और भी पार्ट्स के बारे में, मैं अपने पार्ट्स के बारे में बताता हूँ. ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट ऑल ऑफ देम. चलो पढ़ते हैं इन सब के बारे में. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली 5 पॉइंट्स. ओके, आज सिर्फ हम 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसको क्लियर करेंगे एंड फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे. धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना है. ओके, सो फर्स्ट वन इज मॉनिटर. A monitor looks like a television. Yes, you know very well. A monitor looks like a television. It is a screen. इसका एक स्क्रीन होता है और मॉनिटर जो होता है वो टीवी के जैसे दिखता है. You can see pictures. आप पिक्चर्स देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स ऑन द मॉनिटर. आप क्या क्या मॉनिटर पे देख सकते हो? पिक्चर्स देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, अल्फाबेट्स देख सकते हो एंड नंबर्स देख सकते हो. ये सारा चीज़ आप मॉनिटर पे देख सकते हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कीबोर्ड. अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स ऑन इट. जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं. इट इज़ यूज टू टाइप लेटर एंड नंबर्स. ये यूज़ होता है लेटर और नंबर टाइप करने के लिए. विच एवर बटन यू टाइप ऑन द कीबोर्ड शो ऑन द मॉनिटर. तुम जो भी बटन कीबोर्ड पे टाइप करोगे, प्रेस करोगे, उसको दबाओगे, वो आपको मॉनिटर पे शो करेगा. ओके, तो ये भी हमें पता था. नाउ नेक्स्ट वन इज सीपीयू. द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है. आई नो एंड यू नो ऑल्सो. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का. सी पी यू लुक्स लाइक अ बिग बॉक्स. जो सी पी यू होता है वो कैसा दिखता है? एक बड़ा बॉक्स के जैसा है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो. वेन यू आस्क अ क्वेश्चन द सी पी यू थिंक्स एंड शो द आंसर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू रिमेंबर थिंग्स. क्या बोल रहा है कि जब हम कोई क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछते हैं तो सीपीयू पहले सोचता है और फिर मॉनिटर पे आंसर देता है. ठीक है, एंड इस तरह से वो हमारी मदद करता है. क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन इज माउस. माउस इज अ स्मॉल डिवाइस दैट हैज 2 and sometimes 3 बटन्स ऑन इट. माउस जो है वो एक छोटा सा डिवाइस है और इसके 2 और कभी कभी आपको 3 बटन वाले माउस दिखेंगे. यू मूव द माउस टू मूव द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. द माउस हेल्प्स टू ड्रॉ इन पेंट एप्लीकेशन.
play game and also click on icons on the monitor screen. क्या बोल रहा है कि you move your mouse. जैसे ही आप mouse को move कराओगे, जो pointer होगा वो screen पे आपका इधर उधर shift होते हुए दिखेगा, ठीक है? आप mouse को इधर उधर shift कराओगे और आपको दिखेगा monitor पे कि आपका जो pointer है वो कहाँ शो हो रहा है. ओके, एंड माउस हेल्प करता है पेंट एप्लीकेशन के लिए, पेंट करने में भी हेल्प कराता है, गेम खेलने के लिए भी हेल्प कराता है. एंड ऑल्सो जो मॉनिटर स्क्रीन पे आइकन्स होते हैं उस आइकन्स को क्लिक करने में भी हेल्प कराता है. इज दैट क्लियर? यू हैव लर्न अबाउट दिस फोर पार्ट्स बिफोर. आई विल नाउ शो यू सम ऑफ माई न्यू पार्ट्स. क्या बोल रहा है कि अभी आपने इतना सीख लिया है, ये चार पॉइंट्स के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, बहुत अच्छे से सीख चुके हो. चलो मैं आपको इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट वन इज प्रिंटर. प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट द थिंग्स ऑन द मोनिटर ऑन अ पेपर. प्रिंटर यूज करता है किसी भी थिंग्स को प्रिंट करने के लिए मोनिटर से पेपर पे, मतलब जो स्क्रीन पे दिखेगा उसको पेपर पे उतारने के लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत होती है. ओके, विथ अ प्रिंटर यू कैन प्रिंट टेक्स्ट. प्रिंटर से हम लोग टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं, वर्ड्स एंड नंबर प्रिंट कर सकते हैं, एंड पिक्चर्स को भी हम प्रिंट कर सकते हैं. एक पेज पे हम उसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं, ठीक है? प्रिंटर इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू अ वायर. प्रिंटर जो होता है वो कनेक्टेड होता है किसके थ्रू? एक वायर के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट होता है. ओके, तो आज हमने क्या क्या पॉइंट्स देखा है? जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में आज हमने पढ़ा है, और भी कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. एक एक लाइन एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है. ओके, सो आज हमने मॉनिटर के बारे में देखा कि मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन एंड इट हैज़ स्क्रीन. इसके पास स्क्रीन होता है जिस पे हम लोग पिक्चर्स को देखते हैं, मूवीज देखते हैं, अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं. ओके, फिर हमने कीबोर्ड के बारे में देखा. सीपीयू, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड ये होता है कंप्यूटर का ब्रेन, एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. हमारे मन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन को जो सीपीयू है वो हेल्प करता है कंप्यूटर पे के थ्रू, ठीक है? उसके बाद हमने माउस के बारे में देखा कि माउस में कभी कभी दो बटन वाले होते हैं और कभी कभी तीन बटन वाले भी माउस होते हैं, और एक छोटा सा डिवाइस होता है, और इसका काम क्या करता है? पेंट करने के लिए पेंट एप्लीकेशन में हेल्प करता है, एंड गेम खेलने में हेल्प करता है, एंड किसी भी मॉनिटर स्क्रीन पे जो भी आइकन्स होते हैं उसको सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? और प्रिंटर से क्या होता है? लास्ट हमने क्या देखा? प्रिंटर वो थिंग्स है, वो चीज़ है जो कि मॉनिटर पे जो भी चीज़ इमेज होता है, जो कुछ भी होता है, उसको एक पेपर पे प्रिंट करके निकाल सकता है, ठीक है? विथ अ प्रिंटर, प्रिंटर से हम लोग वर्ड्स, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, इन सब को प्रिंट करके निकाल सकते हैं, और ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है एक वायर के थ्रू. ओके, सो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया है, राइट? क्योंकि मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, पढ़ के बता दिया, और एक बार ऐसे स्टोरी जैसे बता दिया. सो माय डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू स्पीकर, यूपीएस, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर. कुछ स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के, इसके बारे में, जैसे सीडी रोम, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सो योर क्लास वर्क इज रीड चैप्टर फाइव. ओके, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन, रीड चैप्टर फाइव एंड सेंड मी योर ऑडियो, ठीक है? एंड कॉल ऑफ पॉइंट्स से आप ये पांच पॉइंट को आप अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन करोगे. ओके, एंड उसका फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करोगे. कॉल ऑफ पॉइंट्स इज हियर, इसमें से आपको नोट करना है. ओके, सो स्टूडेंट, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.